फेमस ऑफिसियस वो है हमारा ये UNWTO का जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, जो हमको मिला है 2017 में 17th और 18th जनवरी 2017 को मिला था ये, तो गौरव को पर्सनली गए थे उसको रिसीव करने के लिए। एनीवेज हम लोग घूमते हैं क्योंकि हमारा टूर बहुत लंबा होने वाला है। चलिए इकोलॉजिकल पार्ट में क्या है बेसिकली कि किस प्रकार से नेचर अलाइंड वर्किंग मॉडल है हमारे पास में, किस प्रकार से नेचर के अलाइंड होकर के हम लोग लाइफस्टाइल जी सकते हैं बिना एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाए हुए। तो इसका फाउंडेशन स्टार्ट होता है बेसिकली द मेन जो बीज है इसका वो हमारे श्री प्रभुपाद जी का ही है दिया हुआ, जब वो अमेरिका जाते हैं 1965 में तो वेस्ट वर्जीनिया का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। तो तब से उनकी इच्छा थी कि फार्म कम्युनिटी क्रिएट करने के लिए। तो अब कौन के 7 पर्पस हैं, 7 उद्देश्य। तो 7 पर्पस में एक उद्देश्य आता है भगवान श्री कृष्ण को सेंटर बना करके एक कम्युनिटी के साथ में सेवा करना भगवान का। तो आप बोल सकते हैं कि फार्म कम्युनिटी बेसिकली उस प्रिंसिपल का एक एक्सटेंडेड मॉडल है, ठीक है। तो उसके अंदर में तो अभी इकोलॉजिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर में क्या क्या आएंगी, बेसिकली हमारा बिजली पानी और खेती जो बोल सकते हैं ये सब बेसिक नेसेसिटीज है, उसका कैसे हम करते हैं, और मकान जो बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक हम लोग बोलते हैं तो उसको हम कैसे यहाँ पर बनाया है बस वो देखेंगे हम, ठीक है। ये होने के बाद में फिर हम लोग जाएंगे वृंदावन फॉरेस्ट जो हम बोल सकते हैं कि कल्चरल पार्ट ऑफ GEB, ओके। तो स्टार्टिंग विथ ये बिल्डिंग मकान का, तो जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है ये बिल्डिंग इसके बारे में कुछ बताएंगे आपको नहीं ओके। तो ये बिल्डिंग दिख रहा है, ये बिल्डिंग जो है ये रेड ब्रिक्स से ही बना हुआ है, ये बिल्डिंग के जो ब्रिक्स है हमने इधर ही बनाए, और ये ब्रिक जो है इसको हम लोग बोलते हैं CSEB ब्लॉक्स, कंप्रेस्ड अर्थ स्टेबलाइज्ड ब्लॉक। इसमें बेसिकली क्या है, मिट्टी है, स्टोन डस्ट है, और बाइंड करने के लिए 10% सीमेंट है, और डिपेंडिंग अपॉन रेड सॉइल का क्वालिटी के ऊपर हम लोग कभी लाइम ऐड करते कभी लाइम नहीं ऐड करते, उतने डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा लेकिन बता रहा हूं कि ये डायरेक्ट एक मिट्टी का घर है फ्रेंकली स्पीकिंग, जिसकी वजह से ये क्या है कि ये हमारा मिट्टी जो है अपना नेचुरल प्रॉपर्टी को पकड़ के रखता है, यानी कि गर्मी में आपको आपको फील होगा हल्का फील होगा ठंडा जैसा, और गर्मी और सर्दी में वार्म फील होगा आपको, ऐसा नहीं बहुत डिफरेंस फील नहीं होता, 4 से 5 डिग्री का डिफरेंस फील होता है, ओके। और सस्टेनेबिलिटी के मामले से भी काफी लंबा चलता है ये, एंड ये जो दिख रहा है आपको इसको हम लोग लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, जहां पर कि हम लोगों ने बीम डाला नहीं है, बीम कॉलम जो खड़े करते हैं बिल्डिंग बनाते वक्त तो इसको यूज नहीं किया है, इसको हम लोग लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। इनफैक्ट वो गोकुल कॉटेज दिख रहा है आपको वहां पे G+1 है, उसमें भी हमने कुछ पिलर्स नहीं डाले हमने, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यहाँ का एक ग्रीन बिल्डिंग उसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट का एक वो इंस्टीट्यूशन है गृहा करके, वो ग्रीन मतलब अलग अलग जो बिल्डिंग्स होते हैं उसको किस प्रकार से ये लोगों ने बनाया है और उसके कितना नेचर के अलाइंड है उसको चेक करके वो लोग रेटिंग देते हैं। तो इस पर्टिकुलर गोवर्धन इको विलेज के जितने सारे ब्रिक्स हैं और जो भी बिल्डिंग्स बनाए हुए हैं इस ब्रिक्स से उनको इन्होंने 5 out of 5 star दिया है उन्होंने बिल्डिंग, वो उसमें वहाँ पे रेटिंग आपको देखेगा वहाँ पे लगा कर रखा था गृहा का। तो इस प्रकार से ये यूनिक बिल्डिंग है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे और ये बहुत जगह पे इंडिया में है लेकिन एक पार्ट ये है बिल्डिंग इसका। उसके अलावा हम लोग इधर से जाएंगे, पहला हो गया बिल्डिंग, दूसरा हो गया यहाँ पे पानी का व्यवस्था, अगर पानी नहीं रहेगा तो हम खेती नहीं कर पाएंगे और खेती नहीं होगा तो खाएंगे क्या हम। तो खेती हमारा जो है और एग्रीकल्चर एरिया भी है और साथ साथ में उसके लिए हमें क्या लगेगा, पानी लगेगा और हमें प्लॉइंग करने के लिए गौशाला जो बोल सकते हैं आप बैल लगेंगे, तो वो भी पार्ट है उधर। तो हम लोग जस्ट टच करके निकल के वापस चले जाएंगे, हम लोग उधर ज़्यादा रुकने वाले नहीं है। तो मैं दिखाऊंगा आपको मैं इधर हमारा पानी का व्यवस्था कैसे होता है यहाँ पर, क्योंकि पानी के मामले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैक्सिमम अवार्ड इस जगह को दिए हैं।
क्योंकि इतना बड़ा प्रॉपर्टी को बिना बाहर का एक्सटर्नल पानी को यूज करके चलाना बहुत टफ है, स्पेशली आज के सिनेरियो में। तो उसको हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं टेक्निकली। तो उसके लिए तीन पार्ट है उसके, रेन वाटर बेसिकली उसके तीन पार्ट होते हैं। एक में आप बारिश के पानी कलेक्ट करते हो, उसके बाद में जो आसपास का पूरा एरिया होता है उसमें ग्राउंड वाटर के लेवल को मेंटेन रखने के लिए क्या करना होता है, हमें उसको रिचार्ज करना पड़ता है कंटिन्यूअसली। अगर रिचार्ज नहीं करोगे, पानी सिर्फ निकालते जाओगे, तो पानी का वाटर लेवल नीचे चला जाता है। तो उसके लिए एक रिचार्ज के लिए हम एक पॉइंट बनाते हैं जो कि यहाँ पे सामने है, और एक डिस्चार्ज पॉइंट है जो कि एक छोटा सा वाटर बॉडी होता है जहाँ पे पानी रेगुलर लेके आते हैं और डेली यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम रिचार्ज पॉइंट एंड डिस्चार्ज पॉइंट, ये तीनों मिला करके जब आपका ये प्रॉपर्टी में होता है तो फिर उसको गवर्नमेंट आके चेक करती है। उसके बाद में आपको वाटर से ऐसा सस्टेनेबल, मतलब वाटर के रीजन में आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, उसका ऐसा वो अवार्ड देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे काफी अवार्ड्स उसके ऊपर दिए गए हैं पानी के लिए करके। तो हम जस्ट जाएंगे और देखेंगे, ठीक है, एंड हम तुरंत वापस चलेंगे। चलिए हरे कृष्णा। तो ये हमारा सामने जो दिख रहा है इसको हम लोग रिचार्ज पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग काफी डेप्थ तक पानी जाता है और वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, और स्पेशली इस एरिया के लिए ये पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि जो पूरा एरिया है, अगर आप इसको जियोग्राफिकली स्टडी करोगे तो ये पूरा का पूरा चारों तरफ से सह्याद्री माउंटेन रेंज से घिरा हुआ है, और जहाँ पे भी माउंटेन होता है वहाँ के नीचे एरिया में पानी जमा करना बहुत टफ होता है, एक्चुअली बहुत मुश्किल ही होता है, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूअसली नीचे का जो पानी होता है फ्लो होता है, वो स्टैग्नेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो नीचे का जो कंटूर लाइन्स अगर चेक करोगे तो हमेशा ऐसे स्लोप पे दिखेगा, एक लाइन्स में दिखता नहीं है। कंटूर लाइन्स बेसिकली होता है वो लेवल डिफरेंसेस, जो वाटर के लेवल डिफरेंस नीचे जमीन के नीचे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो माउंटेन होते हैं माउंटेन का बेस खत्म नहीं होता है, माउंटेन का बेस स्लोली ऐसा स्लोप में जाते रहता है दूर तक। उसका एग्जाम्पल ये है कि हमने यहाँ पर, आगे जाकर दिखाऊंगा आपको मैं, यहाँ पर हमारे पास पहले 1 CR का पॉन्ड था पानी एक्सटेंड करने, जमा कर रखने के लिए, साल भर यूज करने के लिए। एक से हमने उसको 9 करोड़ का बनाया हमने लास्ट ईयर। दो तीन महीने लगातार हमने दो शिफ्ट में काम किया, हमने उसको 1 से 9 बनाया हमने। तो जब हम बनाए थे तो अंदर में बड़े बड़े पत्थर को निकाल करके हमने उसको गड्ढा करके बनाया हमने। तो सारे पत्थर भले ही उधर है आपका वो माउंटेन उधर है, लेकिन आपको नीचे के पत्थर यहाँ तक मिलते हैं, दूर तक पत्थर मिलते हैं, जिसकी वजह से पानी को रोकना बहुत टफ होता है। इसके लिए हमारे जो इस पूरा प्रॉपर्टी के जो बोरवेल्स हैं जहाँ से पानी हमको निकालने का है, वो जनरली हमारा जस्ट इसके अपोजिट फ्लो डायरेक्शन में होता है, ताकि जितना पानी ट्रेवल करेगा उतना हमें क्लीन वाटर मिलेगा, है ना। तो ये सभी कुछ चीज़ें हमको देखना पड़ता है जब हमको अगर पानी का लेवल्स को बना के रखना है। तो ये हो गया रिचार्ज पॉइंट, ठीक है। इस एरिया में जाएंगे तो आपको सब मिलेगा जो दिख रहा होगा आपको। आज हमारा आयुर्वेदा हॉस्पिटल है छोटा सा इधर, और स्विमिंग पूल है, एंड एक अलग प्रकार का कॉटेज सामने दिख रहा होगा आपको जो ग्रीन सेट से कवर करा है ना, इसको हम लोग तालवन बोल रहा हूँ मैं, मधुवन टेंट्स विला बोलते हैं। और उसके बाद यस अभी आगे चलते, चलिए। निकालना पड़ता है ना, अप्रूवल लेना पड़ता है, एक पेड़ काटना है उसके लिए अप्रूवल निकालना पड़ता है। जमीन कुछ भी होता है, माइक में बोलता हूँ, जो भी जमीन होती है ना, जमीन अगर आप मान लो कि लैंड परचेज भी करते हो ना, तीन फीट तक एक्सकेवेशन करोगे आपका है,
3 फीट के नीचे जाओगे आपका नहीं है, वो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, उसके लिए आपको उसके लिए रॉयल्टी रॉयल्टी भरनी पड़ती है उसके लिए। पर ब्रास का अभी 1800 रुपये बोल रहा हूँ, 1100 रुपये अभी पर ब्रास का चार्ज है गवर्नमेंट का। जितना ब्रास निकालोगे, ब्रास मतलब 100 क्यूबिक स्क्वायर फीट, उतना जितना आप निकालोगे उतना आपको एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को पैसे भरने पड़ते हैं। तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट एक गाड़ी को आने दीजिए, पीछे गाड़ी आ रही है। इनफैक्ट आपको जो जमीन भी है उसमें 3 फीट ही दी आपको जमीन, उसके नीचे गवर्नमेंट की जमीन है, जहाँ पर जो हम बोल रहे थे प्रभु जी हमें घोड़े गधे शीप्स वो भी है, एक दो दिखेंगे आपको। एंड उसके बाद में बच्चों का एरिया है किस जोन, तो इस एरिया में आता है, इस लाइन में आता है, तो ये आपका बहुत पास में, आपके अकोमोडेशन से काफी पास में आप जा सकते हैं, ठीक है, आइए। और ये साइन सॉरी बताना भूल गया, ये सौरम है जो कि हमने 2-3 साल पहले ही इसको प्रॉपरली से स्टार्ट किया है, अदरवाइज पहले वर्किंग नहीं था। इसमें अलग अलग प्रकार का वो साउंड निकालने वाला वो है मशीन इंस्ट्रूमेंट्स है, साउंड के थ्रू हीलिंग करते हैं अलग अलग प्रकार के डिजीज को। तो वो एक छोटा सा यहाँ पे बना करता है सौरम, वो जो पीछे जो दिख रहा है आपको छोटा सा वो पैच पहले वही था, ये लास्ट ईयर हमने इसको इतना बड़ा बनाया है इसको। एक्चुअली में ये खेती का जमीन था जिसको हमने मशीन लगा के इसको एक्सकेवेट करके बनाया। अभी भी वहाँ पे 4 मीटर पानी है उधर कोने में, जो कि हम अभी करने वाले थे लेकिन पानी सूखा ही नहीं, तो जब सूखेगा तो हम करेंगे एक्सकेवेट करेंगे। तो हमारा टारगेट है अभी और आगे बढ़ने का। वो बोर्ड दिख रहा है वो टेम्पररी है, दिस इज बारिश का पानी बाबा, बारिश हाँ बारिश का पानी है। तो एक्चुअली क्या है दिख रहा है आपको, ये माउंटेन रेंज दिख रहा है ना, वहाँ से पानी आकर के यहाँ पे जमा होता है और फ्लो होकर निकल जाता है, और जो हमारा पानी बचता है इसको हम सालों भर यूज करते हैं यहाँ पर, है ना। तो मैं यहाँ पे ला के क्यों यहाँ पे खड़ा किया आपको, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि कुछ भी ऐसा वाटर बॉडी बनाते हैं तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें कि एक बता रहा हूँ आपको मैं कि यहाँ पर एक नीचे में धीरे 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 कुछ सालों के बाद में एक लेयर जमता है, मिट्टी का लेयर जमता आता है। तो अभी हमने कुछ ऑलमोस्ट मोर देन 200 ब्रास हमने ब्लैक सॉइल निकाला इसमें से। तो वो ब्लैक सॉइल क्या होता है, वो माउंटेन का टॉप सॉइल होता है जो जमा होता जाता है। वो बहुत अच्छा होता है खेती के लिए, वो लोग बाहर में उसको परचेज भी करते हैं। तो वो सभी हमें रेगुलरली क्लीन करना होता है, अगर नहीं क्लीन किया तो हमारा धीरे धीरे इसका कैपेसिटी खत्म हो जाता है, जितने कैपेसिटी का बनाया वो खत्म हो जाता है। इसीलिए मेरे को सनत कुमार पर हम आगे टेम्पल प्रेसिडेंट वो बता रहे थे मेरे को कि कई हमारे महाराष्ट्र के बहुत सारे डैम सिर्फ इसी कारण से बंद हो चुके हैं। एक्चुअली बोलते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक डैम्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन बहुत सारे डैम्स बंद हो गए सिर्फ एक कारण से, क्योंकि वो नीचे से सफाई नहीं करते हैं और सफाई करने का प्रोविजन होता नहीं उन्होंने। इसलिए हम लोग सब वो सभी ऐसा बना बना के रखा है हमने, ताकि कभी भी नीचे गए और हम लोग उसको निकाल के लेकर ऊपर आ जाते हैं, क्लीन कर सकते हैं उसे। एनीवेज ये सामने जो दिख रहा है आपको ये कुहोस फोर्ट है, ऊपर में छत्रपति शिवाजी महाराज का किला बनाया हुआ है छोटा मोटा, जो कैनन वगैरह भी पड़े हुए हैं। सो जब कभी आप आराम से ऊपर में, तो हम लोगों को पीने का पानी कभी कभी प्रॉब्लम नहीं होता, और वो पानी एक्चुअली बिस्लेरी पानी से काफ़ी टेस्टी होता है। तो वो क्या है, वो पानी एक तो केव के अंदर है,
जिसके वजह से क्या होता है कि सर्दियों में गर्म रहता है और गर्मी में ठंडा रहता है, जस्ट लाइक ट्यूबवेल का पानी। और क्योंकि ऊपर में पॉल्यूटेंट कुछ है नहीं तो वो बिल्कुल भी क्लीन पानी होता है। और पानी खराब कब होता है, जब ऐसा मिट्टी में टच होता है, तो ये मिट्टी है ना, मिट्टी के टच में आने से स्टैग्नेंट वाटर क्या होता है, हरे कृष्णा प्रभु जी। जो भी लंपी वायरस आया था तो ये गौशाला को भी इफेक्ट हुआ था क्या? काऊ मुझे याद नहीं यार, नहीं यार कब आया था, कौन साल में आया था? अभी एक साल पहले। नहीं नहीं हरे कृष्णा तो ये हमारा गौशाला है जहाँ पर मेनली दो प्रकार के गुजराती हैं, एक है गीर और एक है थार पारकर। जो ब्राउन कलर से दिख रहे हैं आपको वो है गीर, जो कि गुजरात के गीर के अंदर से बिलोंग करते हैं। और सेकेंड जो है वाइट स्टाइल है, जो हम बोल सकते हैं आपको थार पारकर, जो कि राजस्थान के उत्तर क्रॉस करके आते हैं, उनको थार पारकर बोलते हैं। तो मेनली यहाँ पे दो प्रजाति के गाय और बैल, टोटल इनकी संख्या 500 है के आसपास। तो यहाँ पे गाय की सेवा का कुछ एलिमेंट है जो कि बहुत बहुत ही अच्छा है। सांप कैसे दूध पीते हैं, जब भूख प्यास लगती है उधर पीते हैं वो, और जब शाम होता है या फिर सुबह निकालना होता है अगर कुछ बचा तो निकला, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे वो दूध निकालने का सिस्टम यहाँ पे नहीं, मिल्क निकालने का सिस्टम यहाँ पे नहीं है। तो दूध कैसे आता है उसका एक अलग ही चैप्टर है, वो अलग से बाद में बताता हूँ आपको अगर टाइम बचा तो, ठीक है। तो इस जो सेक्शन में हम लोग खड़े हैं, इस सेक्शन को हम लोग बुल सेक्शन बोलते हैं। वो जो दूसरा सेक्शन वो साइड है, वो सेक्शन को हम लोग बोलते हैं अपने काऊ सेक्शन। ये हमारे इनका हॉस्पिटल, यहाँ पे जो लोग जिनको स्पेशल अटेंशन चाहिए होता है तो छोटा सा यहाँ पे बना के रखा है, ताकि जो हमारे रेसिडेंशियल क्वार्टर्स हैं जहाँ पे जो हमारे भक्त सेवक लोग रहते हैं वो उनको थोड़ा रुकावट कर सके आसानी से, है ना। और ये हो गया हमारे प्रोजेनिटर ग्रुप का इलाका है, जो इनको स्पेशल जगह दिया गया है, इसको हम लोग हमारे यहाँ पे वो फ्रेम से बोलते हैं कि हम इनको माउंटेन व्यू अपार्टमेंट दिया है, जैसे किचन को पूरा माउंटेन दिखता है। तो ये इनका बेसिकली स्ट्रक्चर है यहाँ का। ओके, कुछ क्वेश्चन रहे अगर पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग अभी तुरंत निकल रहे आगे। चलिए बढ़िया बढ़िया
म्हणजे झाडावरच पिवळा होता ना त्याची टेस्ट म्हणजे अद्भुत असते. रजनीकांत हे अजून पुण्यात काय म्हणता होते रजनीकांत. हे वास आमच्या कंपनीत पण येतो तो सॉइल का बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई इसमें कोई प्रकाश डालो. वो प्यूरिफाई करता है. यस, उसमें हैवी जो उसके बैक्टीरिया होते हैं किसी चीज में भी उसको तुरंत वो डीकम्पोज बहुत फास्ट करता है वो, है ना. एनीवेज, तो यहाँ पर सॉइल का बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को यूज करके ये प्लांट बनाया गया है, इसलिए इसका नाम दिया गया है SBT. ठीक है, तो मैं थोड़े रफ लैंग्वेज में समझाता हूँ. जिस प्रकार से अगर आप देखोगे जो मिट्टी जो पानी होता है वो जमीन से जब नीचे जाता है ग्राउंड वाटर को मिलता है तो वही पानी जो जमीन के ऊपर होता है गंदा होता है, लेकिन जब वो नीचे जाता है तो वो पानी